अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। योगी जी ने सही कहा है, गलत थोड़ी कहा है। जब आप मुसलमानों को भड़का करके वोट लेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि उनके अली हमारे बजरंग, मेरे बजरंग बली। भाई किसी धर्म के प्रति कोई देवता है उसके प्रति आस्था रखना कोई गुनाह नहीं है, कोई उन्होंने गलत नहीं कहा। मतलब देवी देवता के नाम पे वोट माना जाना ठीक है? देवी देवता के नाम पे वोट मांगना ठीक नहीं है, पर उनका ये कहना था कि उनके अली हैं तो मेरे बजरंग बली हैं, तो कोई गलत थोड़ी कहा है। अगर किसी के अल्लाह हैं, मेरे भगवान हैं, तो सही कहा है, गलत नहीं कहा है उन्होंने। उसके नाम पे वोट मांगा गलत है, ये बात मैं कहूँगा। लेकिन धर्म के नाम पे वोट मांगना, किसी देवता के नाम पे वोट मांगना, ये गलत है। लेकिन गलतियाँ जब होती हैं दोनों तरफ से होती हैं तो कहीं कहीं प्रतिवाद हो जाए। तो आदरणीय योगी जी ने गलत नहीं कहा है। नोटिस भी जारी कर दिया, अब वो जवाब देंगे, उनका काम है। लेकिन हम लोगों के लिहाज से तो हर आदमी का अपना धर्म है और देवता हैं, अगर उनके देवता सहाय हैं तो हमारे देवता सहायता करेंगे, इसमें क्या दिक्कत पड़ी है। अच्छा महाराज जी, जैसे मायावती ने पहले कहा सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, इसके रिएक्शन में हिंदुओं को भी एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है चुनाव में? हो ही रहा है। मायावती ने का ये बयान भाजपा को फायदा हुआ। आदरणीय मायावती को, बहन मायावती को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनके बयान से भाजपा को निश्चित तौर से फायदा होगा और फायदा लग भी रहा है। पहले हिंदुओं से कोई अपील करेंगे इस मायावती के बयान के रिएक्शन पर? मैं कोई अपील नहीं करूंगा, लोग अपने आप जहां उनकी इच्छा वहां वोट दें। सरकार ने अच्छा काम किया तो उनको वोट दें, बुरा काम किया तो खिलाफ वोट दें। और वोट पड़ना चाहिए विकास के नाम पर, यदि विकास हुआ है तो विकास के नाम पर वोट देना चाहिए।